शांति ही सत्यम शिवम सुंदरम सचित आनंद स्वरूप सच्ची अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 11 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हम सब ने शायद ये कहावत जरूर सुनी होगी कि शेरनी के दूध के लिए सोने का पात्र चाहिए, अर्थात शेरनी का शक्तिशाली दूध सोने जैसे पात्र में ही धारण हो सकता है, या सोने जैसा पात्र ही उसे धारण करने की क्षमता रखता है, कोई अन्य नहीं। इसी प्रकार भगवान शिव कहते हैं, इस रूहानी ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने के लिए शुद्ध पवित्र बुद्धि चाहिए। पवित्र बुद्धि तभी बनेगी जब 5 विकारों की रक्षा के लिए हम पवित्रता का रक्षाबंधन धारण करेंगे। ऐसा करने से वर्तमान समय, स्वराज्य का तिलक और भविष्य में विश्व की बादशाही का तिलक मिलेगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि पावन बनने का सर्टिफिकेट परम पिता परमात्मा, जो पवित्रता के सागर हैं, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उससे लेना होगा, किसी व्यक्ति, गुरु, गोसाई, किसी से नहीं, लेकिन परम पिता परमात्मा से। तो फिर कैसे ये सर्टिफिकेट लिया जाए? इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए भगवान शिव हमें राय देते हैं, समझ देते हैं कि बच्चे और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल कर अब ज्ञान चिता पर बैठो और एक परम पिता परमात्मा की अव्यभिचारी याद करो और परम पिता के साथ सच्चाई सफाई से चलो। ये भी ध्यान रखना है कि भगवान के साथ की गई पवित्रता की प्रतिज्ञा कभी तोड़नी नहीं है, क्योंकि पवित्रता एवं रूहानी पढ़ाई से आत्मा गोल्डन एज्ड बन जाती है। इस पंच भौतिक जगत से वैराग्य आना चाहिए तथा अशरीरी अर्थात बॉडीलेस बनने का भी अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये योग बाल ही एकमात्र ऐसा है जिससे हम माया के तूफानों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उस परम पिता परमात्मा की याद में अपने को आत्मा समझ, पवित्रता के स्वरूप में स्थित होते हुए ये गीत सुनते हैं। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते जिन्हें वो सोता पाते हैं उन्हें वो लूट जाते हैं। कपट का है यहाँ चलना सभी व्या पार दिन राती दिखा कर सूर्य ते सुंदर जाल में वो फैसा
आते हैं मुसाफिर, जागते रहना नगर में चोर आते हैं। कभी किसी का मत करना भरोसा, इस जमाने में लगा कर प्रीत मतलब की पल में वो हटाते। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं। आज का वरदान है, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। परमात्मा ने हमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्होंने हमें जिम्मेदार बच्चा समझा है। तो जैसे शिव बाबा कल्याणकारी हैं, वैसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त हैं। आप निमित्त आत्माओं की शुद्ध वृत्ति से वायुमंडल में परिवर्तन हो जाता है, वायुमंडल भी शुद्ध और श्रेष्ठ बन जाता है, क्योंकि जैसा संकल्प वैसी वृत्ति होती है। इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं हम हैं। एक सेकंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं गवा सकते। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति सदैव कल्याणकारी हो। ग्लानि करने वाले के प्रति भी शुभ भावना तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त। तो देखो कितनी महीन साधना है ये, भगवत स्वरूप जरूर बन जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप हमारा भगवत स्वरूप निखर कर सामने आ जाएगा। जो अभी गुप्त रूप में है वो देवत्व सामने आ जाएगा। आज का स्लोगन है, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण अगर कोई है तो वो है गोवर्धन पर्वत का। शास्त्रों में उदाहरण है कि गोवर्धन पर्वत भी ग्वाल बालों की शक्ति द्वारा सभी ने उठा लिया था। तो अगर हम सभी मिलकर शुद्ध वृत्ति से, पवित्र वृत्ति से, कल्याण की भावना से सहयोग दें, तो ये कलयुग रूपी समस्याओं का पहाड़ आसानी से उठा लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शांति शांति शांति